हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय टुडेज व्लॉग। तो अभी का सीन ऐसा है कि हम लोग हो गए रेडी और हम जा रहे हैं दिल्ली। मेरे कज़न की मैरिज है तो उसके सगन पे, ठीक है। तो बस फटाफट से निकल रहे हैं, चाय पी रहे हैं और फटाफट से निकलते हैं, फिर रास्ते में मिलते हैं आज। हे गाइस, तो अभी हम लोग निकल गए घर से और बस अब आगे का मौसम थोड़ा सा फॉगी लग रहा है। देखो ऐसा सा मौसम है अभी, ऐसा आ रहा है। और एक गाड़ी में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, ये गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है, सीएनजी पे कन्वर्ट नहीं हो रही है। वो भी अभी आगे दिखाते हैं। लास्ट वीक हुआ था बट एक दिन में ठीक हो गई थी अपने आप, तो चेक नहीं कराया। चलो तो अब आगे चलते हैं और फिर जैसा भी आगे का रहता है आप लोगों को अपडेट देते हैं उसके बाद। पापा के फोन में तो प्रॉपर दिख रहा है। अचानक से प्रकट हो ध्यान से पापा, खत्म विजिबिलिटी खत्म। ये देख लाइन सी ये आ गया टूल। अब जाके लाइट दिखी ग्रीन वाली। पापा दो इंडिकेटर चला दो। दोनों चलाएंगे। ओह बाप रे, कितना फॉग है यार। आज पहली बार है यहाँ पे, हम डेली आते हैं। हाँ यार, लेकिन इस बात से ना तुम एक बात समझ लो कि हम सर्दी बिल्कुल खत्म होने तक जल्दी नहीं जा सकते। मैं मार्च में आया था, मार्च में बिल्कुल भी फॉग नहीं मिला मुझे, ना आते ना जाते, बस ओस हो रही थी सुबह सुबह गाड़ी में। मम्मी आपके फोन में तो काफी क्लियर दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा। एक महीने का डिफरेंस भी तो है ना। 16 मार्च इसमें देखो प्रॉपर फॉग दिख रही है। मेरे फोन में बहुत ज्यादा क्लियर, काफी दूर तक का क्लियर दिखता, बहुत ज्यादा फॉग भी। अचानक से प्रकट होगा। खत्म विजिबिलिटी खत्म। ये देख लाइन सी ये आ गया टूल। बाप रे। गाइज अभी हम लोग रुके हैं बीच में संतरे का जूस पीने के लिए। एक्चुअली आज शिवरात्रि है तो शिल्पा का फास्ट भी है, उन्हें सुबह से कुछ खाया नहीं था तो इसलिए अब आ रहे हैं। संतरे का जूस बन रहा है यहाँ पे, ताजा भैया छील रहे हैं और बना रहे हैं। चलो फटाफट से जूस पीते हैं और फिर पहुँचते हैं। मौसम बहुत बढ़िया भाई, हर जगह फॉग ही फॉग फॉग है। देखो मेरे पीछे आपको फॉग दिख रही होगी, बहुत क्या बढ़िया फॉग है। बहुत मस्त मौसम हुआ है ड्राइव करने के लिए, मौसम देखो है ना। चलिए अब फटाफट से बस जूस पीते हैं और फिर आगे चलते हैं। और हाँ, रास्ते में हमने पेट्रोल भी वो पेट्रोल भरवा लिया क्योंकि सीएनजी तो हो नहीं रही थी, सीएनजी तो मिली नहीं थी, सीएनजी हमारा सही नहीं चल रहा तो हमने पेट्रोल भरवा लिया इसलिए, ठीक है जी। चलो जाके मौसम थोड़ा सा खुला है, टाइम हो गया है 11:15। हम 8:40 पे घर से चले थे तो 11:15 हुआ है, मतलब अभी थोड़ा सा हमें टाइम और लगेगा। ऑलमोस्ट इसके अकॉर्डिंग हमें 2 घंटे और लग रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई 2 घंटे किस चीज़ के लग रहे हैं। मूर्थल यहाँ से 18 किलोमीटर है। अठारह किलोमीटर चल
शायद ट्रैफिक जाम है कहीं पे, इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, वो थोड़ा सा इश्यू है, क्योंकि है तो 73 किलोमीटर दूर, है तो यहाँ से 73 किलोमीटर दूर, बट टाइम थोड़ा सा लगेगा यार, तो मुझे शायद आगे कहीं पे ट्रैफिक जैम है उसकी वजह से, 2 घंटे दिखा रहा है, 1 घंटा 51 मिनट, तो हम लोग ऑलमोस्ट 1:05-1:10 पे पहुंचेंगे घर, जो अभी तक का टाइम लग रहा है। बाकी देखो यहाँ तक तो हमने सही कवर कर लिया है, 8:40 से 11:15, यहाँ तक तो हमने सही कवर कर लिया, मौसम भी खुल गया है यहाँ, यहाँ पे धूप निकली है प्रॉपर, मौसम खुल गया है, क्योंकि अभी तक तो फॉग ही फॉग था सुबह से जैसे मौसम में निकले थे। चलो फटाफट से कवर करते हैं, मुरथल वाला टोल आएगा ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर था, तो हाँ 18 मिनट 20 मिनट में आ जाना चाहिए, उसके बाद तो फिर दिल्ली पास ही लगती है मुरथल के बाद तो, है ना। चलो फटाफट से पहुंचते हैं। Hey guys, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं दिल्ली, और बहुत ही मेहनत के बाद, हाँ यार 1 बजे ही पहुंचे पूरे, बहुत इरिटेट हो गए दिल्ली में ट्रैफिक, दिल्ली की गर्मी, अभी से इतनी गर्मी होगी गाइस, तुम लोग तो भाई गोवा वाली ड्रेस में आ जाओ सब। अरे सब दिल्ली से थोड़ी देख रहे हैं यार, अगर दिल्ली से हो तो, अगर आप दिल्ली से हो तो गोवा वाली ड्रेस पहन लो यार, बहुत गर्मी है तुम्हारे यहाँ, यार चल फटाफट से पहुंचते हैं और फिर काम करते हैं। वैसे रुक जा। Hey guys, तो अभी का सीन ऐसा था कि हम लोग पहुंच गए थे घर, वहां हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, मैंने खाए छोले कुलचे, यहां सबका फास्ट था तो मैंने खाए छोले कुलचे, और अब मैं निकला हूं गाड़ी ठीक कराने, गाड़ी में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था ना सुबह, बताया था कि वो CNG पे कन्वर्ट नहीं हो रही है, पेट्रोल पे चल रही है, तो बस वो चेक कराने आया था, वो चेक कराते हैं फटाफट और ये ठीक कराते हैं, क्योंकि जरूरी है यार, पेट्रोल पे कब तक चलाएंगे गाड़ी जब CNG है तो, है ना। चलो ये ठीक कराते हैं, फिर आगे का प्लान बताते हैं क्या है कैसे है, है ना। चलो बाय, मजा नहीं होता। जोई करता है गाइस, अभी हम बैठे हैं नित्या के साथ, ये रही नित्या, ये बहुत शरारती हो चुकी है, वीडियो बना करती रहती है, वीडियो बना रहा तो छुप रही है, पर्पल बना रहे हो हर रोज का शूटिंग का काम है, पर्पल नित्या करते हैं, अच्छा नित्या वर्मा ये खुद शूटिंग करते रहते हैं, मुझे बोल रहे हैं नित्या मल्होत्रा नहीं है वर्मा, नित्या बंबाड़ा बंबाड़ा नहीं वर्मा, गाइस ये देखो मैं पकड़ूंगी एक बार। तो गाइस अभी हम लोग आए बंगला साहब गुरुद्वारे माता देखने, ये रहा पीछे मेरे बंगला साहब, हे गाइस, तो अभी का सीन ऐसा है कि अभी हम लोग होके आए थे तो गुरुद्वारे, और हम लोग रास्ते में गए थे CP में एक आइसक्रीम पार्लर है नेचुरल्स, उसकी आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है, एक्चुअल नेचुरल फ्लेवर होता है उसका, जिस फ्रूट के जो फ्लेवर को दे रहे हैं वो उसका एग्जैक्ट फ्लेवर आता है, एग्जैक्ट टेस्ट आता है उसका, तो अगर आप CP साइड जाओ तो ट्राई करना नेचुरल्स की आइसक्रीम, बहुत क्लास होती है। मैं अंदर शूट नहीं कर पाया क्योंकि मोबाइल मेरा ऑफिस गाड़ी में था, ठीक है। उसके बाद हम गए गुरुद्वारे और वहाँ से आ गए वापस, और अब लगे हैं सोने क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, सुबह उठना है, थोड़े से काम है, फिर शाम को फंक्शन पे जाना है, तो मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग में, टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, बाय।